खंड जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और अपन ने पद्य खंड स्टार्ट किया था जिसमें पाठ संख्या एक में कबीर दास जी जो है उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा दिए गए जो पद हैं वो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तुलसीदास जी जो है आज इनको पढ़ेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा दिया लेकिन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, और इनके जो पद है वो पढ़ेंगे। इसी के साथ कृपाराम जी जो हैं इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा दिए गए जो पद हैं वो आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में। अब इनका जो जन्म है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। यानी जन्म कहाँ हुआ है इनका? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। कष्टों के दौर से गुजर उन्होंने गुरु नर हरियानंद से सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। अब इनकी भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रज, दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। प्रमुख तौर से इनकी रचनाएं जो है वो अवधी भाषा की मानी जाती है। अब इनके मन में राम प्रेम कब जागृत हुआ? जब इनकी पत्नी ने इन्हें उत्प्रेरित किया, तब राम की जो भक्ति इनके मन में जागृत हुई। अन्य प्रसिद्ध इनके जो प्रसिद्धि का ग्रंथ है, कीर्ति का आधार है, वो ग्रंथ है आपका रामचरित्र मानस। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नेचू प्रमुख है। ये इनकी रचनाएं हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। यानी इनके काव्य में समन्वय की जो भावना है उसे महत्व दिया गया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। यानी इनका जो रामचरितमानस महाकाव्य है उसमें हर एक चरित्र को बड़े अच्छाई से, बड़ी बारीकी से उभारा गया है, और ऐसे नैतिक गुण जो है वो उसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि राम, आज भी हर कोई ये चाहता है कि राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, कर्तव्य का पालन करने वाला जो पुत्र है वो सभी के घर में हो। राम लक्ष्मण जैसा छोटा भाई जो है वो उनके पास हो। तो इस प्रकार से इनके जो पात्र हैं वो आज भी समाज के लिए आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधाग्नि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। परमार्थ यानी दूसरों की सेवा करने में, दूसरों का हित चाहने में। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बनता है। यानी जैसी संगत में रहेगा वैसा ही वो बन जाएगा। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। हिल मिलकर यानी प्रेम से। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठ है। यानी समय आपके पक्ष में अगर नहीं है तो वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। यानी इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ जो इनके पद दिए गए हैं वो आपके ब्रज भाषा से दिए गए हैं। इन पदों की भाषा क्या होगी? ब्रज होगी। जब आप इन पदों का विशेष लिखोगे तो उसमें, जब भाषा लिखोगे तो उसमें आप लिखोगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब इनके जो पद हैं उनको देखेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहसक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपते ही मूढ़ पर भवकूप। अब यहाँ तुलसीदास जी जो क्या कहना चाह रहे हैं कि काम, कामनाएं, क्रोध, मद यानी नशा, लोभ यानी लालच, रत यानी इनमें लगे रहना, हमें इन बुरी चीजों में नहीं डूबे रहना चाहिए, नहीं लगा रहना चाहिए, और ना ही ग्रासक्त दुख रूप, ज्यादा प्रेम मोह, परिवार से जो मोह है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्या है? दुख के कारण है। ते किमी जाने रघुपति, जिस किसी ने भी भगवान के नाम को जान लिया है, मूढ़ भवे भवकूप, मूढ़ यानी मूर्ख, भव यानी संसार, कूप यानी कुआ। और जो भगवान को नहीं जानता है या भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है, इस संसार रूपी कुएं में डूबा रहता है।
और रघुपति जो है, श्री राम जो है, उन्होंने इन चीज़ों को समझ लिया था, सांसारिकता को जान लिया था, तो वो इन चीज़ों से दूर थे। उसी प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन सारे बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए और इस संसार रूपी कुएं से, सांसारिकता से, मोह माया से भी दूर रहना चाहिए और रघुपति की भक्ति, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, राम का नाम जो है वो लेना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने इसमें कहा है। अब यहाँ आपके काम क्रोध है, जैसे यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप जहाँ भी जो भी पंक्तियाँ देखेंगे, एक बार से दूसरी बार अगर कोई वर्ण आ रहा है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं। भव कूप, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, संसार रूपी कुआ, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरीके से अलंकारों को साथ में लिख लें, जिससे कि अगर इस पद की व्याख्या आप करते हो तो उसमें विशेष लिखने के लिए आपको ये चीज काम में आएगी। कहिबे कह रचना रची, सुनिवे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थे सुजान। अब यहाँ तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, कहिबे यानी कहने के लिए क्या दी है हमें, बोलने के लिए जीभ दी है, वाणी के लिए जीभ दी है, रचना यानी जीभ, रचि यानी रचना, तो भगवान ने हमें बोलने के लिए जीभ दी है, सुनने के लिए क्या दिए, कान दिए हैं, और धारण करने के लिए चित्त दिया है, चित्त यानी मन, हृदय, और हित यानी भलाई, यानी हमारे मन में क्या हो, भलाई हो, अच्छाई का गुण हो, परमार्थ ही सुजान, और साथ ही क्या हो, हमारे अंदर दूसरों के कल्याण की भावना हो, परमार्थ यानी दूसरों के कल्याण की भावना। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इस जीभ से राम का नाम ही लेना चाहिए, कानों से राम का नाम ही सुनना चाहिए, अपने अंदर अच्छाई का जो गुण है, दूसरों की भलाई का जो गुण है वही होना चाहिए, साथ ही हमारा जो मन है उसमें दूसरों के कल्याण की भावना ही होनी चाहिए, कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ भी आपके कहिबे कह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो पद है, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्द्री तीर असी लोह बिलोकुह लोई। अब यहाँ संगत के बारे में बताया गया है, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तुलसी भलो सुसंगते, भलो यानी अच्छा, सुसंग यानी सत्संग या अच्छा साथ, पोच यानी बुरा, कुसंगति यानी बुरी संगति, सोई यानी वही। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, ना कि बुरी संगति में, और हम जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे, जिस प्रकार से नाउ यानी नाव, किन्द्री यानी एक वीणा, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोह यानी लोहा, बिलोकहु लोई नेत्र, बिलोकहु यानी देखना, लोई यानी नेत्र। तो हम जिस प्रकार की संगत में रहते हैं, जैसे लोगों को देखते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं, जिस प्रकार से एक लोहे से चारों चीजें बनी है, नाव बनी है और आपकी वीणा बनी है, बाण बनी है और तलवार बनी है, तो जहाँ नाव और वीणा है वो अच्छे कार्य के लिए, क्यों, क्योंकि इन दोनों का साथ अच्छा है, और इसी तरीके से बाण और तलवार जो है वो दूसरों के पास में रहती है तो दूसरों को हानि पहुंचाती है। तो जिस प्रकार से हम रखेंगे, जिस प्रकार से हम रहेंगे, जैसी संगत अपनी होगी उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे, जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो यहाँ आपके संगत के बारे में बताया गया है, और उदाहरण अलंकार जो है उसका प्रयोग यहाँ किया गया है, क्यों, क्योंकि नाउ केंद्रित तीर असी, इनके माध्यम से उदाहरण दिया गया है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपको समान। अब क्या कह रहे हैं कि राम की जो कृपा है वो कैसी है, सुलभ है, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, तो राम की जो कृपा जिस पर भी हो जाती है वो उसे अपने समान ही सहज बना लेते हैं, मिलकी गंग सुसंग समान, गंग यानी गंगा के लिए, तो गंगा के साथ में जो भी कोई आता है, जैसे अपन जाते हैं ना अपने पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं भी, तो वहां क्या होता है कि गंग सुसंग समान, तो गंगा जो है वो सुसंग, गंगा का साथ कैसा है, अच्छा साथ है, तो गंगा से जो भी मिलता है उसे वो अपने समान बना लेती है, पवित्र बना लेती है, यानी पाप रहित कर देती है। जो जल परे जो जन मिले, तो जन यानी लोग, तो जो लोग जिस प्रकार के जल से मिलेंगे, जिस प्रकार के साथ से मिलेंगे,
कीजे अपु समान। तो गंगा का जल है वो कैसा है, उन सभी लोगों को क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। और गंगा जो है कीजे अपु समान, और अपने अच्छे साथ के माध्यम से, अपने अच्छे कर्मों के आधार पर गंगा के साथ जो भी या गंगा के पास जो भी जाता है उसे वो अपने समान पवित्र कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम राम का नाम लेते हैं तो राम जो है वो हमें अच्छा बना देते हैं। अब यहां भी आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में भांति भांति यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, अब एक जैसे शब्द अगर बार बार आ रहे हैं, वर्ण नहीं, वर्ण का मतलब तो एक अक्षर आपका और शब्द का मतलब है पूरा शब्द, तो यहाँ भांति भांति शब्द है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये कुछ एक ईजी अलंकार है जो आप आसानी से याद रख सकते हो। तो भांति भांति में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सबसो हिलमिल चालिए, हिलमिल यानी प्रेम से मिलजुल करके, जैसे नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग कुछ समय के लिए ही होता है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, साथ में प्रेम पूर्वक चलते हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि संसार में तरह तरह के लोग हैं, सभी को आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए ही है, आज है और कल नहीं है, इसलिए हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ऐसा यहाँ कहा गया है। तुलसी पावस के समय, पावस यानी वर्षा ऋतु, धरी कोकिलन मौन, धरी यानी धारण करना, कोकिलन यानी कोयल, मौन यानी चुप। अब तो दादुर बोले ही, दादुर शब्द जो है मेंढक के लिए आए हैं, हमें पूछिए कौन, अब हमें पूछने वाला कोई नहीं है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयल जो है, कोकिलन यानी कोयल जो है, कोयले जो है सब, वो क्या कर लेती है, मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है, बोलना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उस समय तो मेंढक बोलते हैं, मेंढक शब्द जो है मूर्ख लोगों के लिए आया है। हमें पूछे ही कौन, अब हमें पूछने वाला कोई नहीं है, अर्थात जहां अपने गुणों का महत्व नहीं हो वहां चुप रहना ही सार्थक है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, क्योंकि अन्य बात कहकर के यहाँ अपनी बात स्पष्ट करी जा रही है। तुलसी ऐ समय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। अब यहाँ जो है तुलसीदास जी वो क्या कह रहे हैं कि ऐ समय के, ऐ समय यानी बुरा समय, जब समय अपने पक्ष में प्रतिकूल नहीं हो, तब क्या है, सखा धीरज धर्म विवेक। तो सखा यानी मित्र, साथी कौन है आपके, धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी धर्म, विवेक बुद्धि, साहित्य यानी साहित्य, साहस यानी वीरता, सत्यव्रत यानी सत्य पर अडिंग रहना, और राम का जो नाम है वही एक हमारा भरोसा होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बुरे समय में भी हमारा साथ देती है, जैसे किताबें हैं, साहित्य बुक्स है, अपन कहीं भी रहे, कैसी परिस्थिति में रहें, अपने पास और कुछ है या नहीं है लेकिन किताबें हैं तो हम उनको पढ़ करके अपना समय बिता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके मित्र हैं बुरे समय के, किसी भी समय ये साथ नहीं छोड़ते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये है आपके तुलसीदास जी के पद, जिनके माध्यम से यहाँ तुलसीदास जी ने शिक्षाएं दी है अलग अलग तरीके से कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। अब आपका जो तीसरा है कृपाराम खिड़िया, राजिया रसोर था। अब कृपाराम जो है वो इसके लेखक हैं, और जो राजिया रसोर था है, राजिया रसोर था क्यों कहा गया है कि राजिया जो है कृपाराम का एक सेवक था जिसके कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत दुखी था कि मेरा नाम जो है संसार में कैसा चलेगा, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में क्या माना जाता है कि अगर संतान है तब तक अपना नाम जीवित है, तो उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने कृपाराम की बहुत सेवा की जब वो बीमार हो गए, तब राजिया को उन्होंने देखा कि वो दुखी है, तो उसने उसके दुख होने का कारण था उसे पूछा, और पूछ करके उसने बताया कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, मेरा तो नाम ही नहीं चलेगा इस संसार में। तब कृपाराम ने कहा कि मैं तुम्हारे नाम से पदों की रचना करूंगा, पद लिखूंगा, तो जब भी वो पद पढ़े जाएंगे हमेशा तू उनके रूप में जीवित रहेगा। इसीलिए इनके हर एक पद के नाम जो पद है उसके एंडिंग में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है।
अब राज्य जो है, सॉरी कृपाराम खिड़िया जो है, इनका जन्म है 1743 ईस्वी में और मृत्यु है 1833 ईस्वी में। अब ये किस भाषा के थे? राजस्थानी भाषा के। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल, राजस्थानी के दो रूप है डिंगल और पिंगल, के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीखकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दी। यानी सीकर के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने उन्हें कुछ गांव जो हैं, जैसे महाराजपुर है, लक्ष्मणपुर है, ये गांव जो है वो जागीर के रूप में दिए। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। और दूसरे राजा कौन है? देवी सिंह। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आपके जो कृपाराम है वो किन किन राजाओं के काल में रहे हैं, तो ये दोनों नाम जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोठा नाम से विख्यात है। इन सोठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। यानी अपन जब इसको पढ़ रहे हैं, अपन सोच रहे हैं इसके लेखक कवि कौन है? राजिया है। जबकि इसके कवि कौन है? कृपाराम है। कृपाराम ने राजिया को संबोधित करते हुए पद लिखे। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोठों का समावेश किया गया है। अब ये सोठ है क्या होते हैं भाई? जैसे आपके व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक होते हैं, उसी प्रकार से पद्य भाग की जो व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, उसका एक टॉपिक है छंद, और उन्हीं छंदों में से एक छंद है आपका सोठा। कोयल व काक की तुलना पर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँक तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। इस प्रकार से ये जो पद है वो आपको दिए हैं। अब पहला पद है इसमें उपजावे अनुराग। उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम। कोयल मन हर्षित करे, हर्षित करना यानी प्रसन्न करना। अब कोयल जब बोलती है तो हमारे मन में क्या जागृत होता है? प्रेम। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी मीठी है। कड़वो लागे काग, कड़वो यानी कटु है प्रिय, काग यानी कौवा, रसना यानी जीव, रसना रा गुण राजिया, यानी ये तो सब जीव के ही गुण हैं कि हम किसको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। तो कोयल जो है जब वो बोलती है तो सभी का मन प्रसन्नचित हो जाता है, सभी के मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन कौवा जब बोलता है तो कोई भी उसकी बोली को सुनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जीव ही है जो व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाती है, और ये सारे जो गुण है वो जीव के ही है, ऐसा यहाँ कहा गया है। राजिया को संबोधित करते हुए कहा गया कि हे राजिया, कोयल ही है जो सबके मन में प्रेम जागृत करती है, और कौवा जो है वो अप्रिय लगता है सिर्फ वाणी के कारण, जीव के कारण। तो हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? मधुर वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए। काली घणी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि काली घणी कुरूप, काली यानी काले रंग की, घणी यानी बहुत, कुरूप यानी भत्ती, कस्तूरी, कस्तूरी क्या होती है? आपका जो हिरण हिरण होता है, हिरण की नाभि में, नाभि यानी अपनी जो नाभि होती है सुंदी जो जिसको बोलते हैं अपन, उसमें क्या होता है? एक पदार्थ होता है चिपचिपा सा, जो कि बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है। तो वो जो पदार्थ होता है वो बहुत कीमती होता है, और वो क्या होता है? काटा तुले। काटा तो क्या होता है? छोटा सा होता है, और
तखड़ी जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें बाट रखते हैं, पत्थर रखते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि काली घड़ी पुरूप कस्तूरी काटा तुले, यानी जो रंग में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, एकदम भद्दी है, वो तो क्या होती है सुगंधित पदार्थ, वो तो तराजू से तोली जाती है, कंटा यानी आपके तराजू से तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर यानी आपकी चीनी, वो बहुत सुंदर है, स्वरूप यानी सुंदर है। रोड़ा तुले, रोड़ा तुले यानी पत्थरों से तोली जाती है, अर्थात व्यक्ति के गुण जो है वो महत्व रखता है, न कि उसका बाहरी सौंदर्य। चीनी सस्ती है, कस्तूरी महंगी है, क्यों? क्योंकि उनके आंतरिक गुण जो है वो उनमें अलग अलग हैं। तो आंतरिक गुणों के आधार पे इनमें क्या की गई है, गुण जो है वो देखे गए हैं, बाहरी जो रूप है उसे महत्व नहीं दिया गया। इसी प्रकार से व्यक्ति के गुणों को पहचानना चाहिए, ना कि उसकी सकल सूरत को, ऐसा इसमें बताया गया है। तीसरा जो पद है, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत पर, जलती निज पाए रति न सूझी राजिया। अब क्या करे, हे राजिया, डूंगर, डूंगर यानी पहाड़, जलती यानी जलती हुई, लाए यानी आग, यानी पहाड़ पर आग लगी हुई है तो वो तो सबको दिखेगी, जावे सारो ही संचार, तो वो तो सारे संसार को दिख जाएगी, लेकिन पर जलती निज पाए, निज यानी अपने, पाए यानी पैर, अगर अपने पैरों के पास में आग लगी हुई है तो वो किसी को भी रति न सूझे राजिया, जरासी भी किसी को तनिक भी दिखाई नहीं देती है। अर्थात दूसरों के अवगुणों को तो हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और खुद में जो अवगुण है उसे हम देखते नहीं है। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि पहाड़ पर लगी हुई आग सबको दिखाई देती है, लेकिन अपने घर में लगी हुई या अपने पैरों के पास में लगी हुई जो आग है वो किसी को दिखाई नहीं देती है। हम दूसरों में तो बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन अपनी बुराई जो है उसको नहीं देख पाते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। मतलब री मनवार, चुपके लावे चूर मो बिन मतलब मनवार, राब न पावे राजिया। अभी क्या कहने की, मतलब यानी स्वार्थ, अपन सब देखते हैं कि अगर अपना स्वार्थ होता है तो अपन क्या करते हैं, मनवार करते हैं कि भई उसको किसी भी तरह से मनाया जाए। और अपने राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध चीज क्या मानी जाती है, किसी को मनाना हो तो चूरमा। तो क्या कह रहे हैं कि जब अपनी मतलब होता है, अपना स्वार्थ होता है, तब तो हम चुपचाप चुपके से अगले को चूरमा खिला देते हैं, और मतलब नहीं होता तब उसे राब न पावे राजिया, राब यानी गन्ने का रस जो है गाढ़ा, वो भी हम किसी को नहीं देवे। अर्थात हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थवर्ष कार्य करते हैं, स्वार्थ होने पर तो किसी को पूछते हैं, और स्वार्थ नहीं होने पर उससे मतलब ही नहीं रखते हैं। मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा गड़े, इसडा सु इखलास, राखी जी नहीं राजिया। अभी क्या कहने इसमें कि मुख ऊपर मिठियास, नहीं है यहाँ तो आया नहीं, बैठ जाएगी। मुख ऊपर मिठियास यानी हमारे मुख पर तो क्या है, मीठी वाणी है। कई बार अपन देखते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे मुख पर तो हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीछे से क्या करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। तो क्या कहने की, मुख ऊपर तो क्या है उनके, मिठियास, मुख के ऊपर तो क्या है, मीठी बातें। घट, घट यानी मन, मन में क्या है, खोटा गड़े यानी कुटिलता, चालाकपन जो है वो गढ़ते हैं, यानी हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। ईसड़ा, ईसड़ा यानी ऐसे, सु इखलास, ऐसे मित्रों से तो हमें क्या रहना चाहिए, राखी जे नहीं राजिया, ऐसे मित्रों, ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सामने हमारी प्रशंसा करे, पीछे से बुराई करे, ऐसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे मित्र रखने चाहिए जो कि हमारी अच्छाई या बुराई जो भी है उसे हमारे सामने कहे। अगला पद है, साचो मित्र सचेत, साचो यानी सच्चे मित्र जो होते हैं वो सचेत करते हैं, सचेत करते हैं यानी कोई भी जो बात होती है उसके बारे में हमें बता देते हैं। कहो काम न करे किसु, और ऐसा कौन सा काम है जिसे सच्चे मित्र नहीं करते हैं। हरि हरजन रे हेत, हरि यानी श्री कृष्ण के लिए आया, अर्जन यानी अर्जुन, हेत यानी प्रेम, रथ कर हाक्यो राजिया यानी हाक्यो यानी चलाना। तो आपने देखा है महाभारत में कि अर्जुन के मित्र कौन है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के कारण ही क्या काम किया था,
अर्जुन के सारथी बने थे, रथ चलाने वाले बने थे, तो वो उनका प्रेम भी था। यानी सच्चे मित्र वही होते हैं जो अपने मित्र के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला पद है हिम्मत कीमत होए। हिम्मत यानी साहस, कीमत यानी महत्व, यानी इस संसार में साहस या वीरता का ही महत्व है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, अगर हमारे अंदर साहस नहीं है तो हमारी कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। करे न आदर कोए, वरना इस समाज में, इस दुनिया में हमारा कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा, कोई भी हमें सम्मान नहीं देगा। और हम कैसे बन के रह जाएंगे? रद्द कागज, रद्द यानी रद्दी, कागज यानी कागज। ज्यों जैसे कोए यानी बेकार। तो इसमें क्या करें कि अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो हम रद्दी कागज के समान है। कई बार अपन देखते हैं कि कई लोग बहुत सीधे होते हैं और वो खूब पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे ज्ञाता भी हैं, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं होता, वीरता नहीं होती कि वो सामने वाले का सामना कर सके, मुंह तोड़ उनको जवाब दे सके। तो उनमें किस चीज़ की कमी हुई? साहस की। तो व्यक्ति में साहस जो है, वीरता जो है, वो भी होनी जरूरी है, तभी ये समाज जो है वो उसको मानता है और उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन्हें महत्व मिल पाता है। वरना उसके द्वारा जितने भी किए गए कार्य है या उसका जो महत्व है वो रद्दी कागज के समान है। जिस प्रकार से रद्दी कागज को हम कुछ नहीं समझते, फेंक देते हैं, उसके समान है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न पदों के माध्यम से जो है आपके ये सीख दी गई है कि हमें किस प्रकार से बनना चाहिए। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, आशा सापनी की औषधि है, यानी हमारी जो आशाएं हैं, लालसाएं हैं, उनके लिए औषधि किसे बताया गया है? संतोष को बताया गया है। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों, कि बाहर से तो एक जैसी नहीं दिख रही है और अंदर से भी उनके अंदर गुण जो है वो अलग अलग है। ये जो आंसर है वो आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, आंतरिक भी मिलेगा, बाह्य भी मिलेगा, आंतरिक व बाह्य भी मिलेगा, लेकिन अपन को आंतरिक व बाह्य दोनों करने हैं। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है, पद आपको पढ़ा दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक 6 प्रश्न है, ये 6 के 6 आपको करने हैं। लघु उत्तरात्मक में 8 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें ज्यादातर आपके भावार्थ पूछा गया है, जो पद आपको बता दिए गए हैं। अब बड़े जो क्वेश्चन है इसमें आपके हिम्मत कीमत होए, रद्द कागज राज्य दोहे का बहावार, दोहे के माध्यम से मनुष्य के किस गुण की ओर संकेत किया गया है, तो ये भी आपको बता दिया है। व्याख्याएं जो है वो पीछे दी गई हैं आपकी 3, तो ये तीनों व्याख्याएं जो है वो आपको कर लेनी है, आगे से नहीं करनी है व्याख्याएं, पीछे की जो है तीनों ये कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। पहले आपको सभी का जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर करने हैं और जो व्याख्याएं दी गई हैं उन व्याख्याओं को संदर्भ एवं प्रसंग, संदर्भ एवं प्रसंग में आपका क्या आएगा? संदर्भ का अर्थ होता है कि हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम, तो सृजन पाठ्यपुस्तक आपकी, और उसके बाद प्रसंग का मतलब है कि आपके पाठ का नाम क्या है, आपके कवि या लेखक का नाम क्या है। उसके बाद है आपकी व्याख्या, और व्याख्या के बाद आएगा आपका विशेष, जिसमें एक विशेष तो आपका जो पद दिया है उसमें क्या विशेष बात है वो दे दोगे, और दूसरा विशेष जो है उसकी कोई भी अलंकारिक है, भाषा है, या आपके काव्य के गुण दोष हैं, इनसे संबंधित आप दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।